गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत प्रोटीएस एम्फीबियन की स्टडी। सबसे पहले अपन देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ प्रोटीएस, क्योंकि जब म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले अपन उसका सिस्टमेटिक पोजीशन, उसका क्लासिफिकेशन अपन उसमें देखते हैं। तो अपन सब जानते हैं कि इसका किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम कोर्डेटा है क्योंकि बेसिक कोर्डेट करेक्टर जो हैं, फंडामेंटल कोर्डेट करेक्टर हैं डोर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल क्लेफ्ट की प्रजेंस। क्लास इसकी एम्फीबिया है क्योंकि एम्फीबिया जो एम्फीबियन होते हैं वो वाटर और लैंड दोनों जगह पर ड्वेल लाइफ जीने के लिए अडेप्टेड होते हैं, इसलिए ये एम्फी का मतलब ड्वेल होता है, बाया मतलब लाइफ, तो दोनों तरह की लाइफ जीने के लिए ये अडेप्टेड होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो इसका यूरोडेला है कि इसमें टेल रीजन, क्लियर टेल रीजन पाया जाता है। और फैमिली की बात करें तो प्रोटोइडी है कि यूरोडोला के अंदर जो प्रीमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं वो प्रोटीडी में फैमिली में कंसीडर किए जाते हैं। इसके जीनस की अगर बात करें तो प्रोटियस, और स्पीसीज इसकी है, बहुत सारी स्पीसीज हैं लेकिन अपन एक स्पीसीज देखेंगे, एंग्विनस भी इसकी एक स्पीसीज होती है। अब अपन बात करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की कि एक्सटर्नली अगर अपन इसको देखें, मॉर्फोलॉजी देखें, तो ये किस तरह से अपन को दिखाई देता है। पहली चीज़ तो जब अपन इसको देखते हैं, इसकी बॉडी का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कलर, पिंकिश कलर का दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है क्योंकि पिगमेंटेशन इसकी बॉडी में, स्किन में नहीं होता है, बहुत कम होता है। दूसरे अगर अपन इसकी बॉडी की बात करें तो इसमें हेड रीजन और नेक रीजन भी इसमें दिखाई क्लियरली पता चलता है, ट्रंक रीजन और टेल रीजन इसमें क्लियरली पाया जाता है। और यदि इसके लेग्स की बात करें तो हाइंड लेग दो छोटे हाइंड लेग और दो इसके फोर लिंब पाए जाते हैं। एक्सटर्नल गिल्स इसमें पाए जाते हैं जो कि एक लार्वल कैरेक्टर है, लेकिन प्रोटीज चूंकि इसमें नियोटी नहीं पाई जाती है तो इसमें जो लार्वा जो गिल्स हैं वो लार्वल कैरेक्टर इसमें सस्टेन करता है लाइफ, क्योंकि इसमें परमानेंट नियोटी नहीं पाई जाती है कि लार्वल फॉर्म में ही वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है या एडल्ट बनता है, लेकिन उसमें कुछ लार्वल करेक्टर बने रहते हैं, उसको नियोटी नहीं कहते हैं। और अगर यदि लार्वा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके जनरल करेक्टर की। कॉमनली इसको ओम कहते हैं, प्रोटीएस एंग्विनस को कॉमनली जाना जाता है ओम नाम से। इसको ब्लाइंड सेलामेंडर भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो आँखें हैं वो अनडेवलप्ड स्थिति में होती हैं, अविकसित होती हैं, क्योंकि ये पानी में गहराई में अंधेरे वाली जगहों में पाया जाता है जहाँ इसको आँखों की खास ज़रूरत नहीं होती है, इसके दूसरे सेंस ऑर्गन से वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। प्रोटीडी इसकी फैमिली होती है, जो यूरोडेला ऑर्डर है उसको कोडेटा भी कहते हैं। और ये इसके हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो ये सबटेरेनियन स्ट्रीम्स जैसे क्रास्ट एरिया ऑफ एड्रियाटिक कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इटली साउथवार्ड माउंटेन ग्रो वाली जगह में, यहाँ ये वर्ल्ड वाइड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है। अगर अपन इसकी हैबिटेट की और बात करें तो ये एक्वेटिक केव ड्वेलर है, एक्वेटिक है पानी में पाया जाने वाला, पानी में भी ये जो गुफाएं दरारें होती हैं उनमें रहने वाला जीव होता है। इसकी जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन नहीं होता है, जैसे अपन ने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा कि वो ट्रांसपेरेंट उसकी स्किन है और पिंकिश कलर है उसका। लाइट सेंसिटिव जो आइज हैं वो स्किन से कवर्ड होती हैं, वेस्टिजियल फॉर्म में पाई जाती हैं क्योंकि ये केव ड्वेलर है जहाँ इसकी आई सेंसेशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कुछ लार्वल ट्रेट्स जो लक्षण हैं लार्वल वो पाए जाते हैं क्योंकि इसमें नियोटिनी, परमानेंट नियोटिनी पाई जाती है, तो ये वेल डेवलप्ड गिल्स, लिटल लाइन सिस्टम और छोटे पैर, ये लार्वा के करेक्टर्स हैं जो कि एडल्ट में भी पाए जाते हैं। इसकी अगर अपन
साइज़ की बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा ये होता है। नॉर्मली ये वाइट कलर का अनपिगमेंटेड बॉडी होती है, रेड गिल प्ल्यूम्स इसमें पाए जाते हैं, नेरो हेड होता है, ब्लंट स्लाउट इसमें पाया जाता है। ये रिप्रोड्यूस करता है तो या तो ये एग ले कर सकता है या फिर ये बर्थ लाइव यंग को बर्थ भी दे सकता है। इसमें ओविपेरिटी और विविपेरिटी दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं। टेम्परेचर्स जो एक फैक्टर है ये डिसाइड करता है कि इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी होगी। कोल्डर वाटर में ये बर्थ देता है लाइव यंग को। जो ठंडा पानी अगर होगा तो वहाँ पे अगर ये रहता है तो ये सीधा विविपेरिटी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है उसको यूज करेगा और बर्थ देगा ये लिविंग को। और कॉमनली इसी को ये यूज करता है, यही स्ट्रेटजी है, इसको ये यूज करता है। और कभी यदि ये एग लेइंग स्ट्रेटजी यूज करता है जहाँ पे होटल पार्ट होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये लगभग 70 एग्स ले करता है। और जब लाइव लार्वी को जन्म देता है तो केवल 2 लार्वी को जन्म देता है, जब ये विविपेरिटी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी काम में लेता है तब। और ये एक्वेटिक सेलामेंडर है, ये अपन देख चुके हैं, और यूरोप वाले पार्ट्स में ये पाया जाता है। और इसकी पूरी लाइफ है खाना, सोना, ब्रीड करना, ये सब अंडर वाटर होता है इसका। और डिस्ट्रीब्यूशन अपन इसका देख चुके हैं। और अडेप्टेशंस की अगर अपन बात करें तो ये जो डार्क रीजन में, डार्कनेस में रहने के लिए कम्प्लीटली अडेप्टेड होता है, अंडरग्राउंड इसका हैबिटेट होता है। तो अनडेवलप्ड आईज इसमें होती हैं, लिविंग लगभग ये ब्लाइंड होता है, लेकिन इसमें और सेंसेस जैसे कि स्मेल, हियरिंग, ये इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि इसमें आँखें डेवलप नहीं होते हैं। पिगमेंटेशन की अपन बात कर चुके हैं कि इसकी स्किन में पिगमेंटेशन होता है वो बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर अपन इसके लिम्स की बात करें तो इसका 4 लिम्स और हाइंड लिम्स छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन जो हाइंड फीट है उसमें सिर्फ 2 टोज पाए जाते हैं और 4 लिम में 3 टोज पाए जाते हैं। इसमें न्यूटिनी पाई जाती हैं, लार्वल करेक्टर हैं वो लाइफ टाइम एडल्ट में भी पाए जाते हैं। और बॉडी की, इसकी स्नेक लाइक बॉडी होती है, 20-30 सेंटीमीटर लंबी होती है। और फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स के कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी होती हैं, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म थोड़ी पाई जाती है। प्राइमरी एक्सटर्नल डिफरेंस इसमें जो सेक्सेस में अगर देखा जाए तो सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम अपन को मिलता है, वो क्लोएका रीजन की शेप और साइज में चेंज मिलता है, जिससे अपन मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। ट्रंक इसका सिलेंड्रिकल होता है, यूनिफॉर्मली थिक होता है, सेगमेंटेड मायोमेयर बॉर्डर उसमें पाए जाते हैं। टेल होती है रिलेटिवली शॉर्ट होती है, लेटरली फ्लैटेंड होती है, और एक बहुत पतला थिन फिन इसमें कोडल फिन पाया जाता है। लिम्स होते हैं वो स्मॉल थिन होते हैं, और जिसमें फोल्ड लिम्ब होते हैं उनमें 2 टो होते हैं, सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं, और हाइंड लिम्ब में 3 उंगलियां होती हैं। रिप्रोडक्शन की बात अपन कर चुके हैं कि इसकी जो स्ट्रेटजी है वो 2 तरह की यूज करता है, लेकिन सेक्सुअली मेच्योर होने पे मेल जो है उनका क्लोएका जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। सोलन क्लोएका ब्रीडिंग सीजन में मेच्योर मेल में पाया जाता है। ब्राइटर स्किन कलर हो जाता है, 2 लाइंस एट द साइड ऑफ द टेल क्लियरली अपन को दिखाई देती हैं, कर्ल जो फिन है वो दिखाई देने लग जाता है। फीमेल में ये चेंजेज नहीं होते हैं, तो मेल और फीमेल को अपन पहचान सकते हैं। और जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है ब्रीडिंग सीजन में, मेल और फीमेल पास आते हैं, और मेल जो होता है वो अपने स्पर्म्स जो होते हैं उनको एक अट्रैक्टिंग फिरोमोन, फीमेल अट्रैक्टिंग फिरोमोन को सीक्रेट करता है, जिससे कि ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है और फिर अपने जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्मेटोफोर के रूप में ये डिपॉजिट कर देता है फीमेल की क्लोइका में, और फिर वहाँ से जो फीमेल है उसमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और
फिर वो या तो एग लेइंग करते हैं या फिर लार्वी को जन्म देते हैं। एक देते हैं तो वो लगभग 70 एग्स एक बार में ले करेगी या फिर 2 लार्वी लाइव लार्वी को जन्म देगी फीमेल। और लाइफ टाइम की अगर इसकी बात करें तो लॉन्गेटिविटी इसकी है वो लगभग 58 ईयर्स तक एस्टिमेट की गई। इस तरह से आज का अपना जो ये म्यूजियम स्पेसिमेन प्रोटियस एम्फीबियन है वो यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव के उपाय मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग खुद भी करते रहिए, घर वालों और पड़ोसियों को भी जागरूक करिए और बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।